सब्सक्राइब करें रियल रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर कुर्ती बनाएंगे। कुर्ती के लिए हमने यहाँ पे 3 टाइप के फैब्रिक लिया है। प्रिंटेड फैब्रिक हमने 1/2 मीटर लिया है, वाइट फैब्रिक हमने 2 मीटर लिया है और रेड फैब्रिक हमने 3 मीटर लिया है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे। टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। टॉप पार्ट की लंबाई हमने ली है 14.5 इंचिस। शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 7 इंचिस। यहाँ से नीचे आर्म होल की लंबाई लेंगे 7 इंचिस। मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हमें लेनी है 10.5 इंचिस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचिस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। कमर की चौड़ाई हम लेंगे 9.5 इंचिस। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह टॉप पार्ट हमने कट कर लिया है। ऊपर की तरफ फोल्डिंग है, इससे भी कट करेंगे ताकि फ्रंट और बैक पार्ट के लिए 2 लेयर हमें मिल सके। इस तरह 2 पार्ट हमने कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई लेंगे। नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 2.5 इंचिस और नेक की लंबाई हम लेंगे 5 इंचिस। मार्क कर लेंगे और राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इसी तरह बैक पार्ट की नेक की चौड़ाई भी 2.5 इंचिस लेंगे। और नेक की लंबाई हमें लेनी है 3.5 इंचिस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। दोनों पार्ट की नेक ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। इस तरह मैंने दोनों पार्ट की नेक कट कर ली है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। स्लीव की लंबाई हमने ली है 14.5 इंचिस और स्लीव की चौड़ाई हमने ली है 9 इंचिस। यहाँ पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से नीचे थ्रेड पे मार्क करेंगे और यहाँ से आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। मोरी की चौड़ाई हमें लेनी है 6.5 इंचिस। अब यहाँ से नीचे क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह मार्क हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। दोनों स्लीव को ओपन कर लेंगे और 1 साइड हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट लगाएंगे। अब बॉटम पार्ट हम कट करेंगे। बॉटम पार्ट के 3 लेयर है। लास्ट लेयर है वो वाइट कलर का है, इसे हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया हुआ है। आउटसाइड से फैब्रिक को इस तरह टर्न करना है फोल्डिंग साइड की तरफ और ट्रायंगल से बनाना है। अब यहाँ पे हम कमर की चौड़ाई लेंगे। कमर की चौड़ाई के लिए टॉप पार्ट लेंगे। टॉप पार्ट को 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखेंगे। दोनों तरफ बॉर्डर को मिलाते हुए हम मार्क करेंगे। हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। अब बॉटम पार्ट की लंबाई हमें लेनी है। यहाँ से नीचे बॉटम पार्ट की लंबाई लेंगे हम 25 इंचिस। राउंड में हम 25 इंचिस मार्क कर लेंगे। इस तरह मार्क हो जाने के बाद
आउट साइड से हमें ऊपर की तरफ 6 इंच पे मार्क करना है और फ्लेयर का सेंटर में हम मार्क करेंगे यहाँ पे, और फोल्डिंग साइड की तरफ भी हम 6 इंच पे मार्क करेंगे और वी शेप देते हुए इस तरह हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह मैंने बॉटम पार्ट कट कर लिया है। अब दोनों लेयर को ओपन करेंगे और वन साइड फोल्डिंग है इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह दो लेयर हमने कट कर लिया है। अब दूसरा लेयर हम कट करेंगे, वो भी इसी नाप का होगा लेकिन इसकी लेंथ हम कम रखेंगे। तो इस तरह मैंने दूसरा लेयर कट कर लिया है। इस तरह के दो लेयर हैं हमारे पास और इसकी लेंथ हमने 20 इंचेस रखा है। अब तीसरा लेयर कट करेंगे, इसके लिए फैब्रिक को हमने फोल्ड किया हुआ है। इस तरह हमने टू फोल्ड किया हुआ है। अब आउट साइड से फैब्रिक को फोल्डिंग साइड की तरफ टर्न करेंगे। इस तरह हम फैब्रिक को ट्रायंगल शेप बनाएंगे। ट्रायंगल शेप हो जाने के बाद तो यहाँ पे हम कमर की चौड़ाई लेंगे। कमर की चौड़ाई के लिए हम टू पार्ट को टू फोल्ड करते हुए इस तरह टू फोल्ड करके यहाँ पे रखेंगे और मार्क कर लेंगे। मार्क हो जाने के बाद हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह हमने राउंड शेप दे दिया है। अब इसकी लंबाई हम लेंगे 17 इंचेस। राउंड में हम 17 इंचेस मार्क कर लेंगे। इस तरह राउंड शेप देते हुए हमने मार्क कर लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। इसे ओपन करेंगे और वन साइड फोल्डिंग है इसे कट कर लेंगे। इस तरह दो लेयर हमने कट कर लिया है। अब इस तरफ से हमें इसकी लेंथ को कम करना है, तो हमने यहाँ पे 12 इंचेस पे मार्क किया है और इस तरह राउंड शेप देते हुए मार्क करना है और इसे कट कर लेना है। अब हम कोटी की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे फैब्रिक को टू फोल्ड किया हुआ है। इसके ऊपर हम फ्रंट का टॉप पार्ट रखेंगे फोल्डिंग बॉर्डर को मिलाते हुए। इस तरह हम अच्छे से मिला लेंगे फोल्डिंग बॉर्डर को मिलाते हुए। और एजेटिंग इसे मार्क करेंगे। नीचे से हमें 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग के लिए। तो इस तरह हमने मार्क कर लिया है। अभी शोल्डर के सेंटर में हम मार्क करेंगे और नेक के नीचे 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। अब फोल्डिंग साइड से आउटसाइड की तरफ 1.5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से ऊपर तक इस तरह क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे।
इस तरह कोटे के दो पीस हमने कट कर लिया है। अब हमने यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट लिया है। इसके नेक पे हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। नेक के लिए हमने इस तरह की 1 इंच चूड़ी स्ट्रिप काटी है जो क्रॉस में है। इसे राइट साइड से नेक पे अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। दोनों नेक में हमें इसी तरह स्ट्रिप को अटैच कर लेना है। अब हमने यहाँ पे कोटी का 2 पार्ट लिया है। इसके नेक पे भी हम स्ट्रिप को अटैच करेंगे यहाँ तक और इसे रॉन्ग साइड टर्न करके सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ की नेक पे हमें इसी तरह स्ट्रिप को अटैच कर लेना है। अब फ्रंट और बैक पार्ट का नेक हमने रेडी कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट हम लेंगे, इसके ऊपर हम कोटी का 2 पार्ट है इसे रखेंगे। राइट साइड से इसे इस तरह आर्म होल को मिलाते रखना है और सिलाई लगानी है। बैक पार्ट हमने लिया है, इसे राइट साइड रखा है। इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे, शोल्डर को अटैच कर लेंगे। इस तरह हमने शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव अटैच करेंगे। टॉप पार्ट के राइट साइड स्लीव को इस तरह उल्टा रख के आर्म होल पे सिलाई लगाएंगे और मोरी की बॉर्डर को इस तरह रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। दोनों स्लीव को अटैच कर लिया है। अब बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। बॉटम पार्ट के ये 3रा लेयर है। नीचे का इस तरह के 2 लेयर हैं। इस लेयर के नीचे के बॉर्डर को रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इसी तरह ये जो 2रा लेयर है इसके ऊपर भी हम इस बॉर्डर को 2 फोल्ड करके सिलाई लगानी है दोनों लेयर के। और ये 3रा लेयर है, इसके नीचे के बॉर्डर को भी रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इस तरह हमने 3 लेयर के नीचे के बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर हम 2रा लेयर को अटैच करेंगे। और इसके ऊपर 3रा लेयर आएगा। इस तरह 1 बाय 1 सभी लेयर को हमें इसी तरह अटैच कर लेना है। दूसरे पार्ट में भी हमें सभी लेयर को अटैच कर लेना है। तो इस तरह मैंने बॉटम पार्ट रेडी कर लिया है। इस तरह के 3 लेयर है बॉटम पार्ट के। अब इसे हम टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। टॉप बॉटम को हमने अटैच कर लिया है। आगे की तरफ कोटी है, इसे फिटिंग करते समय इसे अटैच करेंगे। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए इसे फिटिंग करेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिलाना है और स्लीव से लेके नीचे तक 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगानी है। तो इस तरह मैंने इस कुर्ती को फिटिंग कर लिया है। यहाँ पे आई और बटन आएगा और यहाँ पे भी हम बटन से डेकोरेट करेंगे। तो इस तरह हमने फाइनली डिज़ाइनर कुर्ती रेडी कर लिया है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करेगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।